एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उन भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हमारे खेत में आई हूँ घास के लिए, और इसमें बहुत घास हो गया है साइड में, और यहाँ पे ना करेले तोड़ने भी आए हैं थोड़े बहुत, जो तैयार हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ना हम लोग तोड़ने भी आए हैं, तो फ्लावरिंग इसमें चुकी है। देखिएगा गाइस, हमने घास निकाला था, दोबारा से फिर से वैसे का वैसा हो गया है, बहुत घास हो गया है इसके बीच ना, तो ये निकालना पड़ेगा अब। तो ये देखिए करेले। ना मेरे को घास करना है, ये हमने पहले कर दिया था, यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको करना है। मैं इसको काटती हूँ फटाफट, फिर मिलती हूँ उसके बाद आप लोगों से। गुड मॉर्निंग, तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो मॉर्निंग में मैंने बनाई थी फ्रांस बीन की सब्जी, बहुत टेस्टी बनी थी, और ये ना बहुत टेस्टी बनी। कई इसको आलू के साथ मिक्स करके भी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे धनिया और मेथी डाल दी है साबुत, और मैं थोड़ा सा इसका ब्राउनिश होने पे फिर प्याज डाल दिया मैंने इस पर ना, हरी मिर्च और लहसुन। तो सुबह इतना टाइम नहीं था, तो मैंने लहसुन और इसका पेस्ट नहीं बनाया, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया काट के। तो इसको अच्छे से आन देना है मसाले को। तो इसको ना अच्छे से, जब ये हल्का मतलब ब्राउन हो जाए, तो इसमें आप मसाले ऐड कर दे। मैंने सिंपल सी बनाई थी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला है इसमें, तो अच्छी बनी थी। आप लोग भी बनाते ही होंगे आप अपने घरों में, सबका अपना तरीका होता है, तो कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है। कई लोगों को ना ये आलू के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, और मुझे ना ये ऐसी अच्छी लगती है, मतलब फ्रांस बीन ही, छड़ी फ्रांस बीन बना के अच्छी लगती है। तो ये मेरे मसाले लगभग तैयार ही हो गए हैं। मैंने ना इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक इसमें मैं बाद में ही ऐड करूँगी, पहले मैं सब्ज़ी डालूँगी। मैंने इसमें सब्ज़ी डाल दी थी और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था, तो उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है, पहले नहीं डालना है। और पानी मत नहीं डालना इसमें। कई लोग क्या करते हैं कि भाई ये ना थल्ले से मतलब जलने वाली है या ऐसा हो गया कुछ, तो उसमें पानी ऐड कर दिया थोड़ा, बट इसमें आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसका टेस्ट ना फिर चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ, और इसको ना सिम पे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपने इसको ना पकाना है, और ये बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और ये रेडी हो गई है मेरी सब्जी। तो मेरी सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी थी, आप लोगों को भी बताना कि आप लोगों के कैसे बनती है और किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्ट्रॉबेरी जो मेरे गार्डन में लगी हुई है। यहाँ पे ना बहुत, इसमें तीन चार लगी हुई थी और भी थी, यहाँ ने दो तीन खा ली है, और ये अभी थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है, इसमें अभी ज़्यादा फैली नहीं है ये, है ना। और इसके बीच घास लगाए मेरे को निकालना है। और ये ना यहाँ पे श्यामा तुलसी है, ये ना गमले में लगाई हुई थी हम लोगों ने, और उसके बीच जहाँ जहाँ गिरी है ना, ये वहाँ वहाँ लग गई है। तो यहाँ पे ये शाम का टाइम है, इवनिंग में मैं आई थी घास को, हमारा जो सबसे दूर खेत है ना, घाट बोलते हैं यहाँ पर, तो ये सबसे बड़ा खेत भी है और दूर भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्लम के पौधे लगाए हुए हैं इस खेत में, पूरे खेत में। तो यहाँ पे ना इसमें घास हो गया था, तो हम लोगों ने निकाल दिया, अभी रहा हुआ है,
आपको जो आगे दिख रहा है ना, ये रहा हुआ है अभी निकालने को, बाकी आधे से निकाल दिया था हम लोगों ने। तो मेरा यहाँ गटका तैयार हो गया है। यहाँ पे ना घास के जो बिंडे इकट्ठे रखते हैं ना, उनको गटका बोलते हैं, मेरे मायके में भाठा बोला जाता है, यहाँ पे गटका बोलते हैं। तो हम लोगों के ना यहाँ पे पता नहीं इसमें ना पत्तियाँ कुछ सूखने लग गई है ना, ये पता नहीं किस वजह से, शायद जिस मतलब कि जैसे घास रहा है ना इसके चारों तरफ पौधों के, उसकी वजह से हुआ होगा पता नहीं। आप लोग बताना, अगर आप लोगों को पता होगा कमेंट करके बताना कि किस वजह से हो सकता है। वो रहा ऊपर मंदिर हमारा, घाट वाली माता का मंदिर, और हम लोग यहाँ आते हैं नवरात्रों में। और ये देखिए ये टावर है सामने, ये आई थिंक जियो का टावर है यहाँ पे ना ये लगा हुआ। ये जो आप लोग ऊपर को रोड देख रहे हैं ना, ये बसंतपुर को गया, ये हमारा रोड है जो बसंतपुर को गया, ये हमारे रोड के साथ ही है। ये देखिए गाइस, पता नहीं सभी पेड़ों में हो गया, ये कुछ पत्तियाँ ना सूखने सी लग गई है, पता नहीं किस वजह से हुआ है ये रीज़न। आप लोगों को पता हो तो बताना ज़रूर। तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सामने आप लोगों को दिख रहा है रोड, दिख रहा है सामने, तो धुंध भी है तो क्लियर नहीं दिखेगा। ये जो रोड है ये है किंगल रिकोंगपियो वाला रोड, जब नारकंडा ठियोगी साइड से जब रोड बंद होता है ना तो इधर से बसेस जाती है, तो हम लोग मतलब हम लोग को पता चल जाता है कि बस आगे पास है, तो हम उसी टाइम पे जाते हैं बस के लिए ना नीचे को। तो ये हमारा रोड है, ऊपर को भी ये जंगल है। तो फिर हम लोग ना यहाँ से निकल गए थे वापस घर के लिए, तो क्योंकि शाम का टाइम आई थिंक 5:30-6 बज रहे थे, तो हम लोग चले गए। और ये ना हमारे घर से थोड़ा ऊपर है सड़क के साथ ही, ये हमने यहाँ घंटियाली लगाई हुई थी, बट ये ना इसके साथ यहाँ से लैंडस्लाइड हो गया, और मेरे को लगता है कि शायद क्या पता ये भी कहीं सहारा ना चला जाए। और अगर और बारिश होती है ना गाइस, तो ये देखिए किस तरह से दरारें पड़ी हुई है, और अगर और बारिश होती है ना तो ये पक्का चला जाएगा सारा नीचे ना यहाँ से। और नीचे को खेत है, और ये खेत के लिए ये आया सारा नीचे को, लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखिए कितनी दरार आई हुई है, आप लोग देख ही रहे होंगे ये, और ये काफ़ी वरे तक आई हुई है, हमारा जो रास्ता गया नीचे को घर की तरफ उस तक आई हुई है दरार ये वरे को। तो यहाँ पे ना मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा HP में कितने बुरे हाल है, और शिमला में तो खासकर बहुत बुरे हाल है, हर जगह पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लोगों को घर घर बचाने मुश्किल हो रहे हैं लोगों के। तो ये देखिए हमारा रास्ता है, और ये यहाँ से ना बिल्कुल चला गया, और ये पूरा चला जाएगा अगर और बारिश होती है। तो हम लोग घर पहुँच गए। हे गाइस, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो मैंने पशु खुले हुए थे बावड़ी वाली साइड को, तो यहाँ पे नाला है, तो बावड़ी से थोड़ा सा नाले की साइड को ना यहाँ पे पानी निकला हुआ है, ये देखिए नाला, और ये पानी निकला हुआ है यहाँ पे। इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो हर कहीं पानी निकल रहा है। तो मेरे को ना आज कोई टाइम नहीं लग रहा है व्लॉग बनाने का, तो आप लोग ना प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले गई। तो आप लोग यूँ ही मेरी वीडियोस को, मेरे व्लॉग को प्यार देते रहे अपना, और आप लोग देख ही रहे हो नेचुरल सोर्सेस कितने, मतलब मीठा पानी होता है इनका, बहुत टेस्टी पानी होता है और ठंडा पानी होता है। तो मैंने यहीं पे पशु रखे हुए थे, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।